हेल्दी टेस्ट में आपका बहुत बहुत वेलकम। आज हम आपके लंच के लिए लाए हैं छोले पुलाव, खीरे का रायता और गुड़ की सेवई। तो चलिए जल्दी से एक मज़ेदार लंच बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी छोले पुलाव। इसके लिए सबसे पहले आप एक कढ़ाई में 1/4 कप घी को गर्म कर लीजिए। अगर आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 लाल मिर्च डालकर इसको आधे मिनट के लिए पका लीजिए। मसालों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक जाएंगे तो फिर ये प्याज के साथ जल जाएंगे। अब इसमें प्याज डाल दीजिए। ये एक बड़ी प्याज है जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है। प्याज को धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक कि वो मुलायम और गुलाबी ना हो जाए। अब इसमें 1 कप उबले हुए छोले डाल दीजिए। इन छोलों को मैंने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था और सुबह में 2 सीटी लगा कर इसे उबाल लिया है। साथ ही इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छे से मिला लीजिए और इसको अच्छे से मिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पका लीजिए। अब इसमें 2 कप पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लीजिए और मिलाकर ढक्कन से ढक दीजिए। इसके बाद इसे 1 उबाल आने तक पकाइए। प्याज और मसाला अच्छे से पक चुका है, अब इसमें चावल डाल देते हैं। ये 1 कप इंडिया गेट बासमती राइस है जिसे मैंने 2 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। चावल को पानी में भिगो कर पकाने से चावल जल्दी पकते हैं और खिले खिले बनते हैं। अभी इसे थोड़ा मिला लीजिए और ढक्कन ढककर धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट तक पकाइए। बीच में चावल को एक बार चला लीजिए और फिर उसे ढक्कन से ढक दीजिए। अब 7 मिनट हो चुके हैं और पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इस पुलाव को खाने के लिए अब हम एक अच्छा सा खीरे का रायता बनाएंगे, तो फिर इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिए। अभी तक हमने पुलाव बनाया, अब हम रायता बनाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं आप एक टेस्टी, हेल्दी और कूलिंग खीरे का रायता कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप 1/2 कप दही लीजिए और 1/2 कद्दूकस किया हुआ खीरा इसमें डाल दीजिए। अब इसमें 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच नमक भी डाल दीजिए। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी तक इसमें चीनी नहीं डाली है क्योंकि मैंने बाजार का मीठा वाला दही लिया है। अगर आप खट्टा दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसमें चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इसे आप अच्छी तरह से फेंट लीजिए और खीरे का रायता बनकर तैयार हो जाएगा। पुलाव और रायता बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब मीठे में गुड़ की सेवई बना लेते हैं। सेवई बनाने के लिए एक पैन गरम कीजिए और उसमें 1/4 कप घी डाल दीजिए। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें 1 कप भुनी हुई सेवई डाल दीजिए। ये मैंने लच्छे वाली सेवई का इस्तेमाल किया है जिसको मैंने धीमी धीमी आंच पर उसको भून लिया था। अगर आप चाहें तो बाज़ार में जो भुनी हुई सेवई होती है उसको भी आप ले सकते हैं। इसको 1 से 2 मिनट तक धीमी आँच पर भूनना है। ध्यान रखिएगा कि ये जले नहीं तो फिर सेवई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सेवई भून चुकी है, अब चलिए फिर अब खीरा बना लेते हैं। खीरे के लिए एक दूसरा पैन लीजिए और उसको गर्म कीजिए और उसमें 1 छोटा चम्मच घी डाल दीजिए, 3 छोटी इलायची और 2 लौंग डालकर आधे मिनट तक पका लीजिए। जब ये अच्छे से पक जाए और इसमें खुशबू आने लगे तो फिर इसमें 2 कप पानी डाल दीजिए। पानी हल्का गर्म हो जाए तो फिर इसमें 1 कप गुड़ डाल दीजिए। ये पाउडर वाला गुड़ है, अगर आप चाहें तो खड़ा वाला गुड़ भी जो होता है उसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं। जब इसमें 1 उबाल आने लगे तो फिर इसको अच्छे से चला लीजिए और चलाने के बाद से फिर इसमें सभी ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें काजू, किशमिश, बादाम डाला है। आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1/2 कप खोया डाल दीजिए, खोए से सेवई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे 4 से 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें 1 उबाल आने लगा है। अब इसमें भुनी हुई सेवई डाल दीजिए और सेवई डालकर गैस की आंच को बंद कर दीजिए और ढक्कन से ढक दीजिए। पैन का ढक्कन तब तक मत खोलिएगा जब तक कि सेवई ठंडी ना हो जाए क्योंकि ये इसी भाप में सेवई पक जाएगी। टेस्टी टेस्टी सेवई बनकर तैयार हो चुकी है। इसी के साथ छोले पुलाव, खीरे का रायता और गुड़ की सेवई तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।
आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी टेस्ट देखते रहें।